नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये हमारा झंडा ऊंचा रहे सदा। आज के इस वीडियो में हम बस की जर्नी करने वाले हैं जयपुर से सरदार शहर तक। बने रहें पूरे वीडियो में, आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये चौमू पुलिया, यहाँ से हमें अभी सरदार सर की बस मिलेगी। देखते हैं अभी बस आ जाती है। और ये जयपुर लुधियाना आज की हमारी गाड़ी जो हमें सरदार सर तक लेके जाने वाली है, स्लीपर बस राठौड़ की। चौमू पुलिया से इसमें बैठ रहे हैं। ऊपर स्लीपर है, नीचे सीटिंग है। आइए अंदर चलते हैं। और ये हमारी गाड़ी और ये ड्राइवर साहब जो हमें सरदार सर तक लेके जाएंगे। और ये अंदर से व्यू और ये हमारी सीट आज की एक नंबर सबसे आगे। और ये सीट पर हम बैठ के दाल की पकौड़ी का पैकेट ले लिया। और ये गाड़ी हमारी यहाँ से चलती है अभी। और सूरज भी जा रहा है नीचे नीचे, तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। और ये अभी रिंगस आ गया है, रिंगस बस स्टैंड। और अभी आगे पलसाना और सिक्कर। और यहाँ से भाई ने चाय ले लिया, मेरे को तो नहीं पिलाई। चाय लिया यहाँ से रिंगस से और अभी वापस आगे चल पड़े हैं रिंगस से। आगे लक्ष्मणगढ़ में चाय पियेंगे। अभी सिक्कर पहुंच गए हैं, रात हो गई है। और ये रात का अंधेरे में और ये भाई साहब, ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। और ये भाई साहब कंडक्टर जी और ये ड्राइवर जी मजा करते हुए गाड़ी चल रही है। और ये देखिए अभी सिक्कर के नज़ारे रात में। और अभी सिक्कर में चाय का ब्रेक, ये चाय ले लिया हमने। ये भाई चाय बना रहा है और इधर ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का। और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है लाइट में दूर। और ये सामने इधर पेट्रोल पंप और ये पूरा रोड का व्यू। आइए चलते हैं गाड़ी में। और ये सिक्कर बस स्टैंड के बाहर का भी। ये इधर बस स्टैंड है सामने ही। और ये क्योंकि प्राइवेट है तो ये बस स्टैंड पे नहीं जाएगी, ये सीधी आगे निकलेगी। और ये अभी टोल गेट सिक्कर के बाद का।
लक्ष्मणगढ़ मोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ पहुंच गए अभी और ये यहाँ सवारियाँ उतारती हैं और अभी आगे चलेंगी। और ये अभी फतेहपुर क्रॉस कर दिया, बाहर अंधेरा है अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी ये पहुंच गए हैं रतनगढ़ चौक के ऊपर, ये इधर बीकानेर का रास्ता और ये इधर घूमते हुए ये यहाँ सरदार सर की तरफ रास्ता। ये होटल से इधर सीधा सरदार सर का रास्ता है। और ये अभी हम रतनगढ़ से चल दिए हैं सरदार सर की तरफ। काफ़ी रात कितना टाइम हो गया, 9:30 हो गया, 9:30 बज गया अभी रतनगढ़ में। और एक घंटे से पहले पहले सरदार सर पहुंचा देंगे, ये भाई बोल रहा है, ये कंडक्टर भाई और ये ड्राइवर साहब। जोधपुर ये लुधियाना तक जाने वाला है, ये देखो ये लुधियाना जाएगी सीधे जयपुर से लुधियाना, जयपुर से आ रहे हो ना, जयपुर लुधियाना, जयपुर लुधियाना, काफ़ी लंबे रूट की बस। और ये हाईवे और ये सामने बोर्ड लगा हुआ पठानकोट अमृतसर बठिंडा सब इसी रास्ते में आगे। और ये सरदार सर की तरफ आखिरी टोल, यहाँ से अभी सरदार सर सिर्फ 30 किलोमीटर और रह गया। और ये पूरा यहाँ का हिसाब किताब ये खुल गया है, सब टिप्स लगे हुए हैं, इसी से ऑनलाइन सब हो जाता है। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है। ये ट्रक का और पिकअप का बिल्कुल कचरा सा हो गया है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट अभी हुआ लगता है, ये ताज़ा ही है। ये देखिए यहाँ पर ये सब मिट्टी विट्टी सब दिख रही है। थोड़ा सा एहतियात बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी और दूसरों की जान खतरे में नहीं आए। और ये यहाँ अभी इच्छापुरम बालाजी जिसे हमने क्रॉस कर दिया, ये सरदार सर में एंट्री से पहले ही आता है, अभी सरदार सर आने वाला है। और ये सरदार सर का बाहर का चौक, अभी यहाँ से हमने अंदर की तरफ एंट्री ले ली है। ये रात में गेट आपको कम ही दिखाई देगा लेकिन ये नया गेट। और ये सरदार सर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, खंभों के ऊपर लाइटें तिरंगे की शक्ल में, बहुत ही शानदार अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सरदार सर में एंटर कर गए हैं, ये हमारे सामने ही बस स्टैंड आने वाला है। और ये सरदार सर का बस स्टैंड, हमने अंदर एंट्री कर लिया है बस स्टैंड के। केंद्रीय बस स्टैंड सरदार सर में आपका स्वागत है। और ये हमारे ड्राइवर साहब नौरंग जी, बहुत ही शानदार गाड़ी इन्होंने चलाई आज। यदि नंबर की बात की जाए तो 100 में से 100 नंबर इनको दिए जाते हैं। आप भी कभी इनके साथ बैठे तो इनकी ड्राइविंग देखना, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी चलाई है इन्होंने और बिल्कुल टाइम पे हमें यहाँ पहुँचाया है, इसके लिए नौरंग जी आपका धन्यवाद। और ये आज की हमारी गाड़ी जो हमें यहाँ तक ले के आई सरदार सर तक, काफ़ी अंधेरा हो गया है और 10:30 बज गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।